हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आई हुक लगाने का तरीका। तो यहाँ पे हम हुक लगाते हैं और ये साइड में हम आई लगाते हैं। तो चलिए कैसे लगाते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए हमने सुई धागा लिया है, धागा हमने ऑलरेडी लगा रखा है और ये हमने हुक लिए हैं। तो हमें इस तरह पहले हुक अंदर होना चाहिए, बाहर कपड़ा से नहीं निकलना चाहिए और इस तरह हम इसको सिलते जाएंगे। बाहर ध्यान रखें कि बाहर धागा शो ना हो और इस तरह हमें लगाते जाना है। और यहाँ पे जो हुक में देख रहे हैं गोलाई शेप का है, वो हमें पूरे धागा से इस तरह सिल सिल के ढक देना है, वो दिखना नहीं चाहिए। अब उसके बाद हमें इस तरह सिल के हमें ऊपर उस ऊपर आना है। इस तरह हमें ऊपर भी सिलाई लगाना है। ध्यान रखिए धागा फंसे नहीं, क्योंकि इसमें धागा फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। और इस तरह हमें यहाँ पे गांठ लगा लेना है। देखिए ये मेरा ऊपर और नीचे पूरा अच्छे से सिल चुका है और यहाँ पे साइड साइड में हमें गांठ लगा देना है इस तरह। अब हम ये धागे को काट लेंगे। और फिर से हम यहाँ पे गांठ लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक हुक लगा लिए हैं। अब हम दो उंगली के निशान लगाएंगे या फिर आप इसमें पांच हुक भी लगा सकते हैं बराबर से नाप के। तो देखिए मैं यहाँ पे दो दो उंगली के निशान गैपिंग करके यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे 6 हुक लगेंगे। तो इसी तरह हमें पूरे में लगा लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सब में हुक लगा लिया। इसी तरह आप भी इसी तरह लगा ले। और यहाँ पे हमें हुक का इस तरह रखना है और यहाँ पे भी निशान लगा लेना है आई के लिए। तो बराबर में हमें करके इस तरह निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद हम आगे भी इस तरह थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम आई के लिए धागा लेंगे, इसको हमें नीचे से गांठ लगा लेना है। अब हमें पीछे की ओर से इस तरह सुई लाना है। और बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप करके हमें इस तरह फिर से वहीं पे सिलना है। बीच में हमें 2 लाइन का गैप रखना है इस तरह। और ये 3 बार या 4 बार आप कर सकते हैं इस तरह। आप 4 बार कर ले। और ध्यान रहे यहाँ पे धागा फंसे नहीं। इस तरह अच्छे से हमें धागा लाना है, बीच में फंसाना नहीं है। अब सुई के पीछे आगे से हमें नहीं करना है, सुई के जहाँ पे हम धागा लगाते हैं वहाँ से हमें इस तरह अंदर की तरफ ले जाना है और इस तरह यहाँ पे गांठ लगाते जाना है। देखिए पीछे से इस तरह ले जाएंगे और यहाँ से हम इस तरह गांठ लगाते जाएंगे। और ध्यान रहे कि आप एक ही तरफ से जिस तरफ से कर रहे हैं, मैं यहाँ पे इस तरफ से कर रही हूँ,
तो आप भी इसी तरफ से करें या फिर जो साइड से ये कर रहे हैं उसी साइड से करें। तो देखिए ये कितना सही तरीका से बन रहा है। इस तरह गांठ लगाना है। तो देखिए यहाँ पे गांठ लग गया है। अब हम इस सुई को पीछे ले जाएंगे इस तरह। अब पीछे से हम गांठ लगा के एक दो गांठ लगा लें ताकि ये हम सिलाई बाद में खुले नहीं। अब हम ये धागों को काट लेंगे। तो देखिए कितना सही तरीका से ये यहाँ पे बन गया है। इसी तरह हमें सभी आई लगा लेना है। देखिए फर्स्ट में बन गया। अब सेकंड थर्ड सब में हम इसी तरह बनाएंगे। तो मैं आपको सेकंड भी करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम दो लाइन का गैप रखे बीच में और इस तरह हमें चार बार घुमाना है। देखिए अब हम सुई को पीछे की तरफ से इस तरह इसके अंदर करेंगे। और हम बाहर की तरफ निकाल के इसको इस तरह फिर गांठ लगाएंगे। हमें एक ही साइड से करना है। इस तरह हमें गांठ लगाते जाना है। तो देखिए कितना सही तरीका से गांठ लग गया है। अब हम धागा को पीछे ले जाएंगे और यहाँ पे पीछे भी हम यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले नहीं। आप दो तीन बार इसी तरह गांठ लगा ले ताकि ये कभी भी नहीं खुलेगी। अब इसी तरह आप सभी में इसी तरह आई लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी में इसी तरह लगा लिए हैं। अब हम इसको इस तरह लगा देंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये हाई हुक लगाना सीख जाएंगे। और मैंने यहाँ पे इसका स्लिप डिजाइन का भी अलग से वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये नेक डिजाइन में ये पट्टी कैसे लगती है वो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।